हेलो ऑडियंस, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं लखनऊ, जो कि हजरतगंज, और हजरतगंज में आप पीछे की साइड देख पा रहे होंगे, बैक साइड पे लखनऊ का जू, जो कि आज हम पूरा फुल वीडियो एक्सप्लोर करने वाले हैं लखनऊ जू का। तो आप लोग वीडियो को फुल्ली इंजॉय कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ की हर चीज़ों को दिखाएंगे। और चलिए आपको टिकट घर पर दिखा देते हैं, कितना रुपये टिकट है प्रति व्यक्ति का और छोटे चाइल्ड का कितना लगता होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो फुल एक्सप्लोर होने वाला है भाई लोग। तो आप सामने की साइड देख पा रहे होंगे टिकट घर यहाँ का, और आइए आपको हम टिकट दिखा देते हैं, रेट यहाँ का कितना चल रहा है इस समय। आप सामने की साइड देख पा रहे होंगे जो कि 12 वर्ष से ऊपर के लोगों का 80 रुपये, और 5 से 12 वर्ष तक के 40, और वीडियो कैमरा जो कि अगर आप कैमरा ले जाते हो अंदर तो 100 रुपये इसका शुल्क लगेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इसकी ऑनलाइन टिकट भी बुक की जाती है, जो कि इसकी वेबसाइट www.lakhnaujoo.com है। आप इस पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि इसका भी रेट कुछ चेंज होगा या तो यही रेट पे इसको बुक किया जाएगा। तो आइए, चलिए, टिकट तो हमें लेना नहीं क्योंकि हमारे पास यूनिक आईडी कार्ड है, तो उससे हम लोग चलेंगे अंदर के साइड पे। और ये जो चिड़ियाघर है, ये सोमवार को जो है डेली बंद रहता है, सोमवार के दिन, जो कि चलते हैं हम अंदर, आपको एंट्री कराते हैं अंदर में, पूरी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे आपको। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यह है यहाँ का एंट्री गेट, जो कि लेफ्ट साइड से होके राइट साइड पे कर दिया गया है। और यहाँ पे बोतल या जो खाने पीने की चेकिंग होती है, जो कि आप अंदर में ले ला सकते हैं। बोतल अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे टैग लगता है 20 रुपये, मतलब आपको वो पैसे रिटर्निंग मिलते हैं, यहाँ के जो पैसे होंगे आपको रिटर्निंग पे मिल जाएंगे वापसी। और ये आप देख पा रहे हैं सामने के साइड, जो कि लखनऊ जू का ये शेर हिरन सब चीज़ बनाए गए हैं, जो कि मॉडल बढ़िया से। और यहाँ पे फव्वारे लगाए गए हैं, फाउंटेन चल रहा है यहाँ का, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और प्लांटिंग भी की गई इसके आरी बगल पूरे। ऑडियंस, आप सामने देख पा रहे हो, ये है रोबोटिक लायन, जो कि आप देख पा रहे हैं आयरन की मेटल की चीज़ों से बनाया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे पूरे इधर रिंग फुल्ली, जो कि पूरे हर चीज़ वायर्स टायर स्टेपनी भाई सब चीज़ों से मिल के बनाया गया है। इंजन भी आप देख पा रहे होंगे इस पर बनाया गया, उससे भी लगा के सब चीज़ें। अब पता नहीं ये रोटेट या मूवमेंट करेगा कुछ नहीं कि नहीं करेगा, नॉर्मली ऐसा ही बनाया गया है। तो आइए आपको अंदर के साइड पे ले चल सकते हैं, जो कि हर चीज़ें हम वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। जब आप लोग जू के मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको सामने ब्लैक बक दिखाई देंगे, जो कि अंदर में पूरे हिरन है, जो कि ये भाई लोग यहाँ पे ब्लैक बक लिखा गया है, तो ब्लैक बक आप देख ही पा रहे होंगे। और ये देखिए सामने, ये हिरन के छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे ये सामने। हेलो भाई, वो तो डर के भाग गया उसको बुलाने पर, हेलो किया, हाथ देखा भाग गया भाई। तो ऑडियंस ये देख पा रहे हैं पाढ़ा हॉग डियर, तो ये देखिए सामने सब लोग बैठे हुए हैं, जो कि छोटे बड़े सब लोग, ये हिरन की ही प्रजाति का लग रहा है भाई। ऑडियंस आप देख पा रहे होंगे इधर शेर पूंछ बंदर, और ये देखिए इसकी हर चीज़ें तो लिखी गई हैं, जो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ये देखिए कितनी छोटी सी नन्ही सी जान, जो कि सामने रूठी हुई बैठी है, पता नहीं रूठा हुआ बैठा है कि बैठी है कुछ पता नहीं भाई, बंदर है कि बंदरिया, देख रहे हो कितना रूठा हुआ है। ऑडियंस लोग, हम लोग जैसे ही गेट से एंट्री करें और अंदर आते ही लेफ्ट साइड पे हम लोग मुड़ चुके हैं, जो कि इधर तो भाई पूरे डियर ही डियर, ब्लैक डियर, वाइट डियर, यही सब भाई दिख रहा है, बार्क डियर सब चीज़ें दिख रही है, और एक छोटी सी मंकी दिखी जो कि नन्ही सी जान, तो वो सब चीज़ें दिखी। ये आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर रेल कोच बनाई गई है एक, जो कि इसी रेल कोच के जो बगल ये रास्ता जाता है, इस रास्ते से हमें चलना होगा आगे की साइड, जो कि आगे की साइड चलेंगे तो हमें दिखाई देगा टाइगर एंड बियर, जो कि चलेंगे आगे साइड तब दिखेगा पब्लिक लोग। ये है टाइगर घर, और जो आप देख पा रहे हैं टाइगर बहुत ही दूरी पर है, आपको दिखा देते हैं यहाँ से, आपको कुछ नज़ारे इस वीडियो में दिख रहे होंगे, जो कि टाइगर इधर उधर भटक रहा है कुछ खाने के चक्कर में, वो देखिए चक्कर लगा रहा है, चक्कर को चक्कर सामने की साइड आपको दिख रहा होगा। क्या गजब की लाइन लिखी है शेर के ऊपर, पिंजड़े में भी आकर वो कमज़ोर नहीं होता, दोस्त शेर है ये, जहाँ भी रहता है शेर ही रहता है, क्या गजब की लाइन लिखी है। पब्लिक लोग आप देख पा रहे हैं, ये सामने रोजी पेलिकन का बोर्ड लगा है, जो कि सामने बैठे हैं वो लोग, आप देख पा रहे होंगे जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं, ये सामने एक बत्तख के आकार का है, जो कि बत्तख है कि हंस है पता नहीं भाई, रोजी पेलिकन इसका नाम है। ऑडियंस इधर तो लिखा है सुंदरी, सुंदरी कहीं दिख नहीं रही, ओए सुंदरी कहाँ पे हो, सुंदरी नहीं दिख रही भाई, वो है सुंदरी, ये तो टर्टल है भाई, टर्टल सुंदरी इसका नाम, वाह क्या बात है। पब्लिक लोग आप देख पा रहे हो चिड़ियाघर के अंदर में ईमू, ये देखिए सामने ईमू, ये ईमू इतना डेंजर है भाई इसका लुक,
इमू का। देख पा रहे होंगे सामने के साइड जिराफ, जो कि बहुत ही दूरी पे वो भी है, कोई भी जानवर आपके पास नहीं है, वो देखिए सामने। ऑडियंस आप देख पा रहे होंगे ये है मछली घर जो कि लखनऊ जू के अंदर बना है, तो आइए आपको इसके अंदर ले चल सकते हैं और कई सारी प्रजाति की मछलियाँ दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ऊपर चलते हैं आपको लेके। ये है चिड़ियाघर के अंदर उल्लू घर, तो आए चलिए आपको उल्लू दिखाते हैं। उल्लू ऑडियंस ये देखिए इंडियन ईगल उल्लू कहाँ पे है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, वो है ऊपर के साइड पे। स्याही स्याही ऑडियंस काफ़ी देर सोच रहा हूँ आज इस पटरियों पर ट्रेन क्यों नहीं चली। ट्रेन का जो है मरम्मत चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने ये रेल खड़ी है जो कि बच्चों को घुमाती है, और इसकी भी मरम्मत चल रही है जो कि उस साइड पे ले जाके बनाया जा रहा है, फिर इसको उठा के फिर इस साइड पे लाया जाएगा जो आप देख पा रहे हैं इसको। और इसी के इधर आप देख पा रहे हैं स्टेट म्यूजियम है लखनऊ का, और इधर आप देख पा रहे हैं जहाज़ खड़ी है, तो आइए हम आपको जहाज़ दिखाते हैं, हवाई जहाज़, तो आइए दिखाते हैं आपको। और ये जो एरोप्लेन है अति विशिष्ट वायुयान TU-124 राजहंस है, जो कि मिलिट्री में यूज किया जाता है। आपको हम आइए साइड से दिखा देते हैं, एक साइड से होकर जहां से इसकी बढ़िया सी आ जाए इमेज आप वीडियो में देख पाएँ। ये देखिए ये इधर से राजहंस लिखा हुआ, और इसके अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ें लॉक की गई हैं, इसको पार करके जाना हमारे लिए खतरों से खेलना होगा, उधर जा भी नहीं सकते। वो है उसका गेट, ये भाई ये रियल की है, ला के रखी गई रियल की है ये। इसके टायर आप देख पा रहे होंगे वो भी सब रियल के हैं। ये सीढ़ियाँ लगाई गई जो कि सीढ़ियों को हटाया जाता है लगाया जाता है, ये सब रियल में है, क्योंकि जो चीज़ें हमें लग रही है पूरी रियल है, क्योंकि लाइट्स हर चीज़ आप देख पा रहे होंगे इस जहाज़ की। ऑडियंस आप देख पा रहे होंगे सामने की साइड प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है, जो कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लखनऊ का आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो कि अभी ये बनाया जा रहा है। तो भाई ये देखिए जिराफ की स्ट्रक्चर बनाया गया है यहां पे, और हाथियों का, ऊंट का, हर चीज़ें यहां पे दर्शाई गई हैं आप देख पा रहे होंगे। और इस साइड पे देखिए अभी पूरी ये डेवलपमेंट हुआ नहीं है, जो कि डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पर चल रहा है, और जब ये हो जाएगा तब इसको ओपन कर दिया जाएगा। आइए ऑडियंस आपको दिखाते हैं बब्बर शेर और बब्बर शेरनी जो कि सामने बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने की साइड दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों साथ में हैं। पब्लिक लोग यहाँ पे चीज़ें कई हैं और समय कम है, जो कि कैप्चर कर कम पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आइए तो ढेर सारा समय लेके आइए और बढ़िया से घूमिए, हर चीज़ को जानिए, अपने बच्चों को भी जनवाइए क्या चीज़ें कैसे हैं और ये कितने फिट है, क्या चीज़ की होती हैं। तो आप लोग को चलिए और भी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। ऑडियंस वो देखिए सामने लोमड़ी जो कि बहुत ही चलाक होती है, वो देखिए सामने है, वो बैठ गई। यहाँ पे कुछ देर चलने के बाद अगर आप लोग थक भी चुके हैं तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था दी गई है, जो कि दर दर पे रास्तों में बैठने की व्यवस्था आपको दी गई है, और कैंटीन भी है यहाँ पे, जो कि आप भूख लगे तो आप लोग खा भी सकते हैं, टॉयलेट लगे तो आप लोग जा भी सकते हैं प्रसाधन में, जो कि आप देख पा रहे हैं वाशरूम अंदर ही है। ऑडियंस आप देख पा रहे हैं सामने पूरे तोते ही तोते, और ये तोते हैं मदन गौर तोता, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं सब तोते यहाँ पे बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर, जो कि ये पेड़ रियल का है, रियल का ही है, जो कि लाके इसको रखा गया बनाया गया है यहाँ पे। और ये सब तोते देखिए सिर्फ बैठे हुए हैं, और इधर देखिए एक बर्ड अलग थी। तो पब्लिक लोग आइए आपको ले चल सकते हैं तितली घर, जो कि जू के अंदर में बनाया गया तितली घर, तो आपको दिखा देते हैं इसका डोर कैसे आगे का। ये देखिए बटरफ्लाई तितली पार्क लखनऊ जू, तो चलिए आपको अंदर ले चल सकते हैं यहाँ से। ये ब्रिज बनाया गया है जो कि उड़न का आप देख पा रहे होंगे, तो इस उड़न ब्रिज को पार करते हुए हम चलते हैं तितली घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
ऑडियंस भी देखी, एक तितली, दो तितली, तीन तितली, ऐसी तितलियाँ दिखाई, वो देखी वो तितली तितली, ये देखिए सामने। और आगे आप देख पा रहे हैं सामने की साइड पे फाउंटेन बनाया गया है, और यहाँ से सन का जो सूर्य का नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो पब्लिक लोग, यदि आप लोग तितली घर का 20 रुपये दे के आते हो तो पूरे पैसे नुकसान होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ के आने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम आए हैं अपनी बहन के साथ और उसका पास है, तो उस पास के जरिए हम यहाँ पूरा लखनऊ का चिड़ियाघर घूम ले रहे हैं, जो कि कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आप हर जगह की हर चीज़ें देख सकते हो यहाँ के, और कोई पैसे चार्ज मत करना अगर तितली घर आते हो तो, बकवास है भाई, इससे ज़्यादा आप अपने गाँव में तितलियाँ देख सकते हो। ये है आकाश चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन, जो कि ये यहाँ का टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर पे टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि ट्रेन ख़राब है, उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो ये जो बनाया गया है, ये नवीन बाल रेल का शुभारम्भ जो कि श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया था, और डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी के। और इधर देखिए बैटरी कार टिकट काउंटर। मैम कितना रुपये लगता है? 472। कितना? 472। पूरी गाड़ी का रहता है? बुकिंग पे। अगर अकेले रहेंगे? अकेले नहीं, अकेले के लिए भी वही, मतलब पूरा पेमेंट हम ही को करना पड़ेगा। हाँ, पूरी पेमेंट, मतलब 472 रुपये। इसमें रेट फिक्स है मैम? जी। पब्लिक लोग, हम लोग वहाँ से जाते जाते इस रास्ते से गए और इधर से पूरा घूमते हुए आ चुके हैं मेन गेट के पास, जो कि मेन गेट पीछे की साइड पे है, और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमने आपको बता भी दिया जो कि ट्रेन का टिकट जो हमने देखा, भाई ट्रेन टिकट मतलब ट्रेन चल नहीं रही है, और ये बैटरी वाली जो कार है ये देख सकते हैं आप, ये चल रही है, और इसका जो है 472 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, और पूरे परिवार के साथ आप इसमें घूम सकते हो 472 रुपये में पूरा जू। ऑडियंस लोग, हम यहाँ के चिड़ियाघर के ब्लॉक को, जो कि लखनऊ जू के ब्लॉक को, हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉक के साथ। जो कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग वीडियो के साथ। बाय बाय ऑडियंस, बाय बाय।